गाइस, रागनी सिलाई नॉलेज में आपका स्वागत है। तो हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग, जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। आप वीडियो में बने रहें अंत तक। जितना भी डाउट होगा अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग को लेकर के आपको, सब हम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अस्तर वाली ब्लाउज में हमें अस्तर की कटिंग करनी होती है, क्योंकि अस्तर की कटिंग के हिसाब से हम ऊपर का फैब्रिक कटिंग करते हैं। देखिए, तो सीने के मेजरमेंट के हिसाब से हमें टू फोल्ड करना है कपड़ा। पहले देखिए, हमारा ओपन साइड है, ये हमारा बंद साइड है, मैंने कपड़ा टू फोल्ड कर दिया है। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा मेजरमेंट कितना है। तो मेरे मेजरमेंट में सीने का साइज 40 इंच है, तो उसका चौथाई भाग हमारा हुआ 10 इंच। तो 10 इंच में किसी भी माप में आप लोगों को तो मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो जान लीजिए कि किसी भी माप में 2 इंच में हमको प्लस करना होता है, जो मार्जिन के लिए हम कपड़ा लेते हैं। आपका कोई भी माप हो, तो मेरे माप में 10 इंच है। तो देखिए, तो 10 इंच ये हमारा यहाँ आ रहा है, 2 इंच जो कपड़ा लेते हैं मार्जिन के लिए वो है। तो सीने के मेजरमेंट के हिसाब से हम कपड़ा टू फोल्ड करते हैं। उसके बाद से हमको ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके निकाल देना है। तो देखिए, हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट करके निकाल दिए हैं। कटिंग एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने के बाद से हमको टू फोल्ड में करना है। आगे और पीछे का दोनों का पल्ला हम एक ही साथ निकालेंगे। तो जो ऊपर वाला भाग है वो हमारा बैक साइड का होगा, और जो नीचे वाला भाग है फ्रंट साइज का होगा। देखिए, तो कपड़ा फोल्ड करेंगे तो सबसे पहले हम लंबाई देखेंगे। तो हमारे मेजरमेंट में लंबाई है 15 इंच। तो देखिए गाइस, ये हमारा 15 इंच है। हम 15 इंच इसलिए लिए हैं कि 14 इंच हमको रेडी चाहिए। तो देखिए, तो आधा इंच कपड़ा हम नीचे जो ज्वाइंट करते हैं अस्तर में, मेन फैब्रिक में, तो आधा इंच कपड़ा हमारा नीचे जाता है और आधा इंच ऊपर जाता है। तो देखिए, ये हमारा आधा इंच नीचे छोड़ के आधा इंच ऊपर हमारा 14 इंच रेडी आ रहा है। और ये हमारा बैक का पल्ला है, ये हमारा फ्रंट का पल्ला है। ये जो ब्लाउज हम बनाने जा रहे हैं बिना बेल्ट का है, आगे पट्टी इसमें नहीं है, बिना पट्टी वाला ब्लाउज है। तो देखिए, बिना पट्टी वाले ब्लाउज में हम पीछे के साइज से आगे का साइज बस एक चाप बड़ा रखते हैं, जो बीच में ऐसे करके हम ट्रक्स देते हैं, जो सेंटर का जो ट्रक्स होता है। तो हम आधा इंच बड़ा रखे हैं पीछे के पल्ले से। देखिए, हमारा 14 इंच रेडी रखना है, तो 15 इंच पीछे का पल्ला लिए हैं, अरे 15.5 है, ठीक है। तो अब हम मेजरमेंट लेंगे। सबसे पहले हमको देखना है कि हमें शोल्डर कितना रखना है, ठीक है। तो अब जो हमारा ब्लाउज है वो डीप गले का बन रहा है, तो डीप गले में शोल्डर पतला ही रखते हैं। देखिए, 5.5 इंच शोल्डर लेंगे। आपको शोल्डर को लेकर के डाउट होगा तो देखिए, मोटा पतला लगभग 30 से लेकर 40 तक का जो साइज होता है उसमें हम 5.5 शोल्डर ले सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे जो शोल्डर पट्टी है हमारी पतली रहती है तो अच्छी लगती है। डीप गला में तो बिल्कुल 5.5 इंच ही लेना है हमको। देखिए, 5.5 हो गया। और हम जो गले का कटिंग करते हैं उसके लिए हम 2.5 इंच लेंगे। 30, 28 और 40 से लेकर इसके बीच में जिसका सीने का माप इतना, उसमें 2.5 इंच गला ले सकते हैं। आपके कस्टमर की डिमांड हो कि बहुत चौड़ा गला हमको लेना है, तो उसके लिए हम 3 इंच तक ले सकते हैं। 3 इंच से ज़्यादा डीप गला में हम नहीं लेते हैं। तो देखिए, तो हम 2.5 इंच ही ले रहे हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा चौड़ा गला नहीं बनाना है। तो देखिए, हमारा शोल्डर बच रहा है 3 इंच, शोल्डर रेडी होकर 2.5 इंच का आएगा। तो उसके बाद से देखिए, ये हमारा 5.5 है, तो हम आर्म होल की लंबाई भी 5.5 ही लेंगे। देखिए, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। यहाँ से देखिए, आर्म होल की गोलाई के लिए जो बैक साइड का हमारा पल्ला है उसके लिए हमें 1.5 इंच लेना होता है। 1.5 इंच में हम राउंड शेप देते हैं। तो हमारा 10 इंच जो हम बताए थे 40 इंच सीने का मेजरमेंट है, तो उसमें 10 इंच जो हमारा आ रहा है, ये तो हमारा यहाँ पे सिलाई आएगा 2 इंच मार्जिन के लिए। तो हम यहाँ से राउंड शेप लेंगे। देखिए, ये बैक पल्ले का आर्म होल है, देखिए ये दे दिए। और फिर हमें फ्रंट पल्ले में 0.5 इंच और गहराई देना है, तो हम अभी नहीं देंगे, अभी हम बैक पल्ले का ही कटिंग करेंगे। उसके बाद से देखिए, कमर का मेजरमेंट लेना है। तो देखिए, सबसे पहले हम कमर का माप लेंगे। तो हमारे मेजरमेंट में कमर है 34 इंच, तो उसका चौथाई भाग हमारा आ रहा है 8.5 इंच। देखिए, 8.5 इंच में मार्क करेंगे। जो हम पीछे या फ्रंट पे दोनों साइड में प्लेट डालना होता है उसके लिए हम 1.5 इंच लेंगे। देखिए, हमारा 2 इंच कपड़ा, 2 इंच थोड़ा कम ही मार्जिन के लिए बच जा रहा है, ठीक है। उसके बाद से देखिए,
ये जो है इसको हम मिला लेंगे और इसको भी हम मिला लेंगे। तो ये तो हमारा हो गया। हम मार्जिन के लिए इतना ही कपड़ा रखे हैं, तो इसके लिए देखिए ये हमारा इतना कपड़ा मार्जिन में जाएगा, इतना शोल्डर के मार्जिन में जाएगा। तो देखिए जो आर्म होल की लंबाई होती है ब्लाउज में, कभी भी हमें 5.5 से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर हम कॉलर वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो कॉलर वाला ब्लाउज या फिर पीछे बोट गला बना रहे हैं तो उसमें हमको शोल्डर ज़्यादा लेना होता है, जितना मतलब आपके कस्टमर का शोल्डर का मेजरमेंट है उतना लेना होता है। लेकिन अगर हम डीप गला बना रहे हैं तो मतलब अगर मीडियम साइज का है तो उसमें 5.5 शोल्डर लेंगे और 5.5 आर्म होल लेंगे, तभी हमारा आर्म होल का जो गोलाई होता है हमारे बॉडी में अच्छे से बैठ पाएगा। तो इतना तो आपका क्लियर हो गया। अब हम कटिंग करेंगे। देखिए तो सबसे पहले हम ये जो बाहर वाली लाइन है उस पर कटिंग करेंगे, जो बैक साइड का पल्ला है। देखिए और यहाँ कटिंग करने के बाद जो जहाँ हमारी फिटिंग की सिलाई आ रही है यहाँ पे एक हम कट लगा देंगे छोटा सा, क्योंकि जब हम ब्लाउज सिल के रेडी करते हैं जब हमको फिटिंग करना होता है तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ से हम सिलाई मारें। तो ये हमारा जो कट है वो हमारे मतलब सीने के मेजरमेंट का बिल्कुल परफेक्ट कट है, यहीं पे हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए जो हमारा शोल्डर पैक रहता है उसको हम कट करके निकाल देंगे। ये हमारा बैक साइड है और ये हमारा फ्रंट साइड है। देखिए सबसे पहले इसमें हम गले की कटिंग करेंगे। तो हमारे मेजरमेंट में गला 6 इंच रेडी रखना है तो हम 6.5 इंच पे देखिए 6.5 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे, क्योंकि यहाँ हम ज़्यादा ले लेते हैं तो हमारा शोल्डर गिरने लगता है। तो आप लोग से जैसे कि पहले भी मैंने बताया है कि मैं बार बार बॉक्स नहीं बनाती हूँ, मैं ड्राइंग करके रखा हुआ है, मेरा गला बहुत अच्छा बैठता है। तो आप लोग भी ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो देखिए मैं गले की कटिंग कर दे रही हूँ। तो देखिए ये हमारा फ्रंट का पल्ला है जिसमें हमें 1/2 इंच गोलाई देना है ताकि हमारे आर्म होल में झोल ना आए। देखिए इसको कट करके निकाल देंगे, हमारा गला कट हो गया। उसके बाद से हमको टेकिंग का निशान लगाना है। देखिए तो उसके लिए आपसे पहले ही बताए हैं कि अगर आपके पास परफेक्ट माप है, आपका कस्टमर बोला है कि ये कपड़ा हमारे में परफेक्ट होता है सेम ऐसे ही बनाना है, तो आप उसका ट्रक्स माप लेना है यहाँ से सेंटर से कि कहाँ तक ये वाला जो साइड वाला ट्रक्स आता है। अगर नहीं है तो उसके लिए देखिए अगर 14 इंच 13 इंच ब्लाउज है इतने के बीच में तो आप 9.5 इंच पे मारेंगे। देखिए और साइड से हमें 3 इंच से 200 तक कम लेना है। देखिए ये तो हमारा हो गया। उसके बाद से देखिए हमारे सीने के मेजरमेंट में 40 इंच है तो उसके लिए हमें देखिए यहाँ पर 4 इंच पर लेना होता है, क्योंकि ये चौड़ाई ज़्यादा है तो उसी हिसाब से ट्रक्स का निशान लगाते हैं। अगर कम रहता तो हम 3.5 पर भी लगा सकते हैं। देखिए तो 2-2 इंच करके हम राउंड देंगे। देखिए बहुत ईजी तरीका से ट्रक्स लग जाता है। बस साइज आपको देखना है कितने साइज का हमें ब्लाउज बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको निशान लगाना है। देखिए हमारा हो गया सेम इसको इस साइज हमको वो करना है। देखिए तो हम ऐसे इसको थोड़ा डार्क कर देंगे। डार्क के बाद से देखिए सबसे इजी तरीका है कि आप इसको ओपन कीजिए फिर ऐसे फोल्ड कीजिए। देखिए और उसके बाद से इसको ऐसे कर दीजिए। देखिए आपका इधर भी आ गया, थोड़ा और आप डार्क कर दीजिए इसे। तो गाइस ट्रक्स का निशान हमारा लग चुका है, फ्रंट पल्ला बिल्कुल रेडी है। उसके बाद से हम बैक पल्ले की गला की कटिंग करेंगे। तो जैसे कि आपसे हम बोले थे कि आपको अगर गला मापना नहीं आता है कि आपके कस्टमर के ब्लाउज का कितना पीछे गला है, तो उसके लिए देखिए आपको जितना रेडी लेंथ रखना है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लें। हमको 14 इंच रेडी रखना है तो हमारा 14.5 यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर में जाएगा। उसके बाद से देखिए ये तो हमारा निशान लग गया, जितना कपड़ा हम मार्जिन के लिए नीचे ज्वाइंट करेंगे तो लेंगे। देखिए अगर परफेक्ट इसी के माप का गला बनाना है तो देखिए जो पीछे का जो बचा हुआ भाग हमारा होता है, जो पीछे का पट्टी होता है गले का, आप देख सकते हैं इसको आप लीजिए और ऐसे करके निशान लगा दीजिए। और इसके बाद आपका जितना मतलब लंबाई ऊपर बच रहा है उतना आप गले की कटिंग कर दीजिए। तो देखिए हमको शॉर्ट गला ही लेना है तो इसके लिए देखिए हम गले की ड्राॅइंग बनाएंगे, थोड़ा सा इससे एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि बैक साइड का गले का कटिंग है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं हम। देखिए इसी को ले करके
आराम आराम से हम राउंड शेप दे देंगे। अगर गले में आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो डायरेक्ट आप कपड़े पर कटिंग ना करें, सबसे पहले एक पैटर्न बनाएं, पैटर्न आपका सही आ रहा है उस पर आप गले की कटिंग करें। तो देखिए यहाँ पे हमारा 2.5 इंच, इसको हम मिला लेंगे अच्छे से। अब हम इसी पर कटिंग करेंगे। देखिए बैक साइड में हम ट्रक्स का निशान कैसे लगाते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा गला का जो कटिंग हुआ है वहाँ से हमें 2 इंच लेना है। देखिए तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंच, साइड से हमको 5 इंच लेना है। और नीचे की जो लंबाई ब्लाउज के हिसाब से रखते हैं, अगर हमारा ब्लाउज लंबा है तो हम 5 इंच तक रखेंगे, 5.5 भी रख सकते हैं। अगर ब्लाउज सोचा है छोटा है तो 4 इंच पर भी हम ट्रक्स लगा सकते हैं। देखिए सेम इसको इस तरफ भी हम कर देंगे ऐसे करके। तो देखिए गाइस बैक पल्ले की फ्रंट पल्ले की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, यानी बाजू की कटिंग करनी है। तो इसमें हमें ग्लास बाजू बनाना है लगभग 9 इंच लंबा। तो देखिए हमारा कितना कम फैब्रिक बचा है, तो उसके लिए हम बचे हुए फैब्रिक जो हमारे पास पड़ा है इसके कलर के मैचिंग का, उससे हम लेकर के इसकी कटिंग करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे पास कपड़ा एक्स्ट्रा पहले से था, इसमें से स्लीव्स के लिए जो बचा है वो कपड़ा है। तो देखिए हमारा कपड़ा थोड़ा ज़्यादा है, इसमें हम आर्म होल की गोलाई लेंगे और जो नीचे का मोहरी का जो फिटिंग आता है वो इसमें हम लेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें कटिंग करेंगे बाजू की। तो आप लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि हम आर्म होल के लिए गोलाई के लिए बाजू के गोलाई के लिए कितना कपड़ा लें। तो आपको सबसे ईजी मेथड बता दे रहे हैं कि हमारे मेजरमेंट में मानिए 10 इंच सीना रेडी है, तो उसमें 0.5 इंच हम माइनस कर देंगे 9.5। देखिए हम 9.5 कपड़ा हम लिए हुए हैं, ये देखिए 9.5 हमारा ये है। उसके बाद से देखिए लंबाई तो हमको मान ली इतना ही कपड़ा हमारे पास है, इतना ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। देखिए हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ से 3 इंच डाउन करेंगे, 3 इंच डाउन करेंगे और 1.5 इंच यहाँ कपड़ा हम ले लेंगे जो हमारा मार्जिन के लिए जो ऐड करेंगे 1.5 इंच हमारा कपड़ा ये है। उसके बाद से हम राउंड शेप देंगे। देखिए कोई लाइन नहीं लेना है, बस 3 इंच यहाँ से आपको डाउन करना है। ये हमारा मेन है, देखिए आप देख सकते हैं। देखिए हमारे राउंड आ रहा है 9 इंच, इसको भी आप देख लीजिए। ये हमारे आर्म होल की गोलाई देख लीजिए 9 इंच आ रहा है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बाजू ज्वाइंट करने में। अब इसमें हम कटिंग कर दे रहे हैं। देखिए हमारा कटिंग हो चुका है। इसके लिए देखिए फिर फ्रंट साइज के आर्म होल में हम देखिए इस साइड हम इतना गोलाई देंगे, लेकिन अभी हम नहीं कट करेंगे, हम सिलाई करते समय कट कर लेंगे। उसके बाद से देखिए मोहरी हमें रखना है 6 इंच, तो 6 इंच हमारा होगा। इतना एक्स्ट्रा कपड़ा मार्जिन की लेते हैं वो तो है ही। और यहाँ पर देखिए, तो देखिए इसको हम इससे मिला देंगे। देखिए हमारा हो गया, और ये जो मार्जिन के लिए कपड़ा है इसको यहाँ से इतना कटिंग करके हम निकाल देंगे। देखिए तो क्या है, इसको हम ओपन कर लेंगे। देखिए हमारा बंद भाग है, इसको भी हम कट कर ले रहे हैं। देखिए अगर आपको भी ग्लास बाजू बनाना है, कपड़ा कम पड़ रहा है, तो आप इसी मेथड से बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। देखिए इसको हम जितना इधर छोड़ेंगे उतना इधर छोड़ के इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे। हमारा देखिए 10 इंच है, हमारा 9 इंच रेडी होकर बाजू निकल आएगा। तो बाजू की कटिंग हो गई है, अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। देखिए गाइस ये हमारा जो ब्लाउज में का जो मेन फैब्रिक होता है वो है, तो ये हमारा बॉर्डर मतलब निकाल कितना बॉर्डर आता है जिसको हम निकाल के बाद में बाजू में ऊपर से लगा देते हैं, तो वैसा नहीं है, ये पूरा कपड़े में ही अटैच है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, तो इसको टू फोल्ड करेंगे। ये हमारा 2 फोल्ड कपड़ा है, देख लीजिए। उसके बाद से हम बाजू पर रखेंगे, ऐसे रखेंगे देख लीजिए। और जो नीचे का जो कपड़ा हमको ऐड करना है, देखिए ऐसे रख लेंगे। उसके बाद से इसको कटिंग करके निकाल देंगे। देखिए हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई है, इसमें दोनों बाजू हमारा आ जाएगा। ये है, एक ये है, तो इसको हम साइड में कर दे रहे हैं। फिर हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। देखिए गाइस ये हमारा सीधा साइड है, कभी भी हम
कपड़े पे अस्तर को रख के काटते हैं तो ये हमारा सीधा साइड है, उसी के तरफ से हम कटिंग करते हैं। देखिए सीधा साइड पे आप कटिंग करेंगे तो यहाँ से जोड़ के हमको कपड़ा अंदर करना होता है, तो ये हमारा सीधा साइड मट जाएगा। अगर आप रॉन्ग साइड कटिंग करेंगे तो आपका उल्टा साइड कपड़ा मतलब आएगा, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। देखिए तो थोड़ा थोड़ा आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम कटिंग करते हैं कि ब्लाउज को अटैच करते समय अस्तर में हमारा कपड़ा इधर उधर भागे तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो देखिए बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाती है, आप देख सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बाद में हम निकाल देंगे, फिर हम फ्रंट साइड के कलीव देखिए। देखिए ये हमारा फ्रंट साइज का पल्ला है, इसको भी हम सेम उसी प्रोसेस के साथ कट करते जाएंगे। हमारा ये भी रेडी हो गया, देखिए हमारा कटिंग पूरा रेडी है। उसके बाद से आपको इसमें पाइपिंग डालना है, तो बचे हुए कपड़े में से आप पाइपिंग निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए हमारा कपड़ा बचा हुआ कपड़ा है जो मेन फैब्रिक में का है, उसी का हम पाइपिंग डालते हैं, अस्तर के कपड़े का पाइपिंग नहीं डालते हैं। तो पाइपिंग कभी भी हमें सीधा कट नहीं करना है, जो रेवी पट्टी आती है हमारी, हम उसी हिसाब से कटिंग करेंगे कि हमारा पाइपिंग बैठे। देखिए देखिए पूरी भी पट्टी में हम इसकी कटिंग कर देंगे, जितनी लंबी हमारी पट्टी निकलेगी उतनी ही आसानी से हमारा पाइपिंग बैठ जाएगा। पाइपिंग में ज़्यादा जोड़ अच्छा नहीं लगता है, देखिए बस एक ही जॉइंट लगेगा हमारे में। अगर देखिए आपको कितना कपड़ा लेना है पाइपिंग के लिए, नहीं तो पाइपिंग के लिए ज़्यादा कपड़ा ले लेंगे तो अंदर के साइड जब फोल्ड करेंगे तो ज़्यादा बच जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। देखिए एक इंच ही कपड़ा लेना है हमको। देखिए अगर आप बिगनर हैं तो आप निशान लगा करके कटिंग करें, क्योंकि इधर उधर हो जाएगा तो हमारा पाइपिंग नहीं बैठ। तो देखिए गाइस इसको हम एक इंची के कपड़े का मार्जिन लेते हुए इसको हम कट करेंगे। एक इंच कपड़ा लेना है, बराबर से हमको लेते जाना है। अगर चौड़ा पतला होगा तो हमारा पाइपिंग अच्छे से नहीं बैठ पाएगा। हम पाइपिंग बनाने का भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, अगर आप लोगों को पाइपिंग बनाना सीखना है तो मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए। देखिए तो गाइस ये हमारी हुक वाली पट्टी है जो हम ब्लाउज के जो मेन कपड़ा होता है उसमें से कट करते हैं। ये लगभग आपको दिखा दे रहे हैं 3 इंच 3.5 इंच का होता है, इसमें हुक पट्टी बनाना है हमको। बटन के लिए थोड़ा सा उससे पतला भी आ जाएगा। देखिए ये हमारा दो भाग निकला है, एक हुक पट्टी के लिए देंगे एक काज पट्टी के लिए देंगे। तो इसमें हमारा हुक पट्टी लगेगा, इसमें हमारा काज बनेगा। तो देखिए जो ऊपर का कपड़ा बहुत हल्का होता है तो उसमें हमें इसको ऐड कर देना होता है, क्योंकि हमारी मजबूत पट्टी बने। हुक से बार बार करके आप कस्टमर का भी मतलब शिकायत आता होगा कि कपड़ा फट जा रहा है, तो उसके लिए देखिए इसमें आपको दोनों को ऐड करके ही हुक पट्टी बनाना है। देखिए हमारा रेडी हो गया। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रहा है कहीं भी समझने में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और सिलाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।